हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट उस्मा शेख। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चाइनीज़ शाशलिक की रेसिपी शेयर करूँगी, जो बहुत ही मज़ेदार और आसान बनाना सिखाऊँगी मैं आपको। आपको किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर शाशलिक खाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर बआसानी इसको बना सकती हैं। तो चिकन शाशलिक बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। चिकन है हमारे पास 1 kg के करीब बोनलेस चिकन है हमारे पास। ये छोटे छोटे क्यूब्स में हमने इसको काट लिया है। 3 तरह की बेल पेपर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें येलो है, रेड है, ग्रीन है। ये बेल पेपर्स हम इसमें डालेंगे। और एक बड़ा प्याज है, इसे भी हमने, आप देख सकते हैं, क्यूब्स की शक्ल में इनको काटा है। अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास, 1 tablespoon यूज़ करेंगे। और 4 टमाटर थे हमारे पास, जिसको हमने पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं। और स्पाइसेस में हम यूज़ कर रहे हैं, चीनी है हमारे पास 1 tablespoon, सॉल्ट 1 tablespoon, पिसी हुई काली मिर्च है हमारे पास 1/4 teaspoon, आप हसब ज़रूरत अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकती हैं। और चिली फ्लेक्स है हमारे पास 1 tablespoon। और इसके साथ हम यूज़ करेंगे कॉर्नफ्लोर है हमारे पास 2 tablespoon के करीब, हम इसे यूज़ करेंगे। और टमाटो केचप है हमारे पास, इसे भी हम 4 tablespoon के करीब यूज़ करेंगे। और चिली गार्लिक सॉस है हमारे पास, इसे भी हम 4 tablespoon के करीब ही यूज़ करेंगे। सोया सॉस है हमारे पास, चिली सॉस है हमारे पास, और सिरका। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कढ़ाई में आप 2 tablespoon के करीब ऑयल डाल लें, और साथ ही 1 tablespoon जिंजर गार्लिक का पेस्ट है हमारे पास, इसे हम डाल देंगे और इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा जो लहसुन अदरक का जो पेस्ट था, ये लाइट ब्राउन तकरीबन हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये जो चिकन चाइनीज़ शाशलिक मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, बहुत ही आसान और झटपट मैं आप इसको बनाना सिखा रही हूँ। आप इसे जो है ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। अब ये आप देख सकते हैं, हमारा लहसुन जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अपना 1 kg जो मैंने आपको बोनलेस चिकन बताया था, ये डाल देंगे हम इसमें, और इसका तकरीबन कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारे चिकन का जो कलर था वो चेंज हो गया है। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस जो हैं, जो मैंने आपको बताए थे, वो डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद हम इसमें 1 tablespoon सोया सॉस, 1 tablespoon चिली सॉस, 4 tablespoon मैंने आपको चिली गार्लिक सॉस बताया था, ये चला जाएगा इसमें, 4 tablespoon ही केचप, टमाटो केचप है हमारे पास, ये चली जाएगी, 1 tablespoon सिरका। तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये टमाटो पेस्ट था हमने बनाया था, ये चला जाएगा इसमें। ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम अपने चिकन को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। लो फ्लेम पर हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। तो हम अपने चिकन को कवर अप कर देते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए इसके गलने का वेट। जी तो फ्रेंड, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हम अपने चिकन को देख लेते हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें, हमारा चिकन जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, गल चुका है ये। अब हम इस पॉइंट पर आकर हम इसमें 2 tablespoon कॉर्नफ्लोर, हम इसको 4 tablespoon पानी में डालकर हमने इसको घोल लिया था, ये चला जाएगा इसमें, और इसको पकने देंगे। 2 से 3 मिनट पकने के बाद हम इसमें अपनी वेजेस डालेंगे। ये पेपर्स हैं, ग्रीन वाली चली जाएगी इसमें, येलो, और ये हमारा क्यूब्स में कटा हुआ प्याज। इनको भी तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तमाम वेजीज को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये देख सकते हैं, आप इसमें पानी ऐड कर दें। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा पानी ऐड कर सकती हैं। अगर तो आप रोटी के साथ खा रहे हैं तो आप फिर इसमें पानी मत यूज़ करें, और अगर आप इसको राइस के साथ यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें फिर थोड़ा पानी डाल दें। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको जैसे चाहें इसको सर्व कर सकती हैं। हम इसको राइस के साथ यूज़ कर रहे हैं तो हम इसमें 2 कप के करीब पानी डाल देंगे।
और इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पका लेंगे।